बिग बॉस 16 के इस हफ्ते में कुछ खास नहीं हुआ। बिग बॉस 16 के इस हफ्ते में कुछ खास नहीं हुआ। घर वालों के बीच गहमा गहमी कम देखने को मिली। ज्यादा सुर्खियां जिसने बटोरी वो थे सालीन भनोट, टीना दत्ता और सुम्बुल तौकीर खान। हालांकि इनके बीच अर्चना गौतम और साजिद खान ने भी अपनी लड़ाई झगड़े से दर्शकों का ध्यान अपनी तरफ जरूर खींचा। अब इन सब में पॉपुलैरिटी किसने हासिल की और कौन हुआ इंडिया की स्पेशल मीडिया कंसल्टिंग फर्म आरमैक्स मीडिया की लिस्ट से बाहर, चलिए आपको बताते हैं, क्योंकि इस बार की लिस्ट काफी इंटरेस्टिंग है। लेकिन इससे पहले आपको फ्लैशबैक में ले चलते हैं। पिछले हफ्ते यानी 12 से 18 नवंबर वाली लिस्ट अगर आपने देखी होगी तो आपको उसमें अब्दुरोजिक हमेशा की तरह पहले नंबर पर दिखे होंगे। उसके बाद एमसी स्टैन, प्रियंका चाहर चौधरी, अर्चना गौतम और शिव ठाकरे नजर आए थे। इसमें से टीना दत्ता का पत्ता साफ हो गया था। जबकि 5 से 11 नवंबर वाली लिस्ट में अब्दू पहले पर और फिर प्रियंका, स्टैन, टीना और अर्चना नजर आए थे। इस फेरबदल से काफी साफ था कि किसका सिक्का बाहर चल रहा है। तो वहीं अब जो इस हफ्ते यानी 19 से 25 नवंबर वाली लिस्ट आई है उसमें काफी चौंकाने वाले नाम हैं। हमेशा की तरह अब्दुरोजिक हैं पहले नंबर पर, दूसरे पर हैं प्रियंका चाहर चौधरी, तीसरे पर है एमसी स्टैन, चौथे पर आ गई हैं टीना दत्ता और पांचवें पर बनी हुई हैं अर्चना गौतम। मतलब इस बार एमसी स्टैन और अर्चना गौतम को झटका लगा है। शिव ठाकरे को भी जोर का धक्का लगा है। तो वहीं टीना दत्ता की फिर से चांदी हो गई। शिव ठाकरे के साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनका इस बार किसी से ज्यादा पंगा नहीं हुआ। पिछले हफ्ते वे अर्चना गौतम की वजह से लाइमलाइट में आ गए थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। सुम्बुल की वजह से टीना दत्ता भले ही पॉपुलैरिटी लिस्ट में शुमार हो गई हों, वहीं अर्चना जो चौथे नंबर पर थी वो इस बार पांचवें पर और एमसी स्टैन जो दूसरे पर थे वे तीसरे नंबर पर आ गए हैं। वैसे बिग बॉस कंटेस्टेंट की रैंकिंग पर आपका क्या है कहना हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। साथ ही अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और बिग बॉस 16 से जुड़ी अपडेट्स लगातार पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।